नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली फाइनली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की बिगेस्ट कोलैबोरेशन, शाहरुख खान इंट्रू राजकुमार ईरानी की फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट विद टाइटल आज कर दिया गया है। इस फिल्म की इंतजार नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा। यस, ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे अवेटेड फिल्म है और इस फिल्म की नाम आज से है डोंकी। यस, शाहरुख खान इन एज डोंकी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार ईरानी, जो कि रिलीज होने वाले हैं अगले साल क्रिसमस पर, मतलब 2023 की 22 दिसंबर को बॉलीवुड की बादशाह और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े डायरेक्टर राजकुमार ईरानी की फिल्म डोंकी आने वाले हैं, जिसके अनाउंसमेंट आज एक वीडियो के जरिए, टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए शाहरुख खान सर ने और हिरानी सर ने कर दिया है। ये साथ ही साथ शाहरुख खान फैंस के लिए एक तोहफा भी है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस फनी वे में इस फिल्म की टाइटल को रिवील किया गया, इस फिल्म की टाइटल अनाउंसमेंट किया गया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप देख सकते हैं शाहरुख खान एंड राजकुमार ईरानी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और शाहरुख सर हिरानी की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं और अपने लिए कुछ है या नहीं है ये हिरानी सर से पूछते हैं। और जब हिरानी सर ने उनको बताया कि हाँ, उनके लिए भी एक आइडिया है जिसमें भर भर कर कॉमेडी और इमोशन, साथ ही साथ हल्का रोमांस भी होने वाले हैं, उसके बाद शाहरुख खान एंड हिरानी की फिल्म की टाइटल आप एक सीन के ज़रिए दिखाए देते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज़ और अंदर से गट फीलिंग हो रहा है कि ये बहुत ही बड़ी एक सुनामी, बहुत ही बड़ी एक बेहतरीन फिल्म आपको देखने को मिलेगा 2023 की क्रिसमस पर। तो फाइनली फाइनली इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट कॉम्बो, बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान एंड इंडियन सिनेमा की बेस्ट डायरेक्टर हिरानी इज कमिंग टुगेदर विद टाइटल डोंकी। तो आप लोग बताइए कि किंग खान की इस तरीके से कमबैक करना, पहले पठान उसके बाद डोंकी, आपको अंदाज़े बयां क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।